अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गार्लिक चीज़ ब्रेड। आप देख रहे हैं, यह देखने में बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की लग रही है और बहुत सॉफ्ट और फ्लफी सी बनती है और बहुत इजी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत डिलीशियस लग रही है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें एक कप वार्म मिल्क चाहिए, हल्का सा गरम मिल्क चाहिए, और एक टेबलस्पून हमें यीस्ट चाहिए। वो इसमें डाल दें, मिल्क में डाल दें, और एक टेबलस्पून जो है वो शुगर इसमें ऐड कर दें। और 2 टेबलस्पून ओलिव ऑयल शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें साल्ट शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 10-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये जो यीस्ट है एक्टिव हो जाए। इसको छोड़ देंगे, और हमने इस अब हमें चाहिए गार्लिक और ग्रीन कोरिएंडर। इसकी टॉपिंग के लिए हमें गार्लिक और ग्रीन कोरिएंडर चाहिए। इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तमाम गार्लिक को अच्छी तरह से चॉप करना है, बारीक बारीक सा चॉप करना है इसको। ये ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। ईस्ट अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब एक बाउल लेंगे और उसमें हम 1 कप जो है वो फ्लोर लेंगे, और जो हमने ये मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसकी एक डो बना लेंगे। इसकी सॉफ्ट और स्मूथ सी एक डो बना लेनी है। इसको हाथ से अच्छी तरह से नेक करें। और थोड़ा थोड़ा सा चाहे तो ऑयल लगा लें ताकि इसको अच्छी तरह से जो है ये डो है जो अच्छी सी रेडी हो जाए। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर और ऊपर से फॉलिंग पेपर लगाकर इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। अब जो हमने चॉप किया था कोरिएंडर और गार्लिक, इसको हम 2 टेबलस्पून बटर में इसको मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून बटर लेंगे और उसमें इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारी डो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल लें और इसको बेलन से इसको अच्छी तरह से बेलने के बाद इसको फोल्डिंग की तरह करके इसको रैप कर लें, और फिर इसको ग्रीस लगी ट्रे में इसको फैला दें, अच्छी तरह से इसको फैला दें। इसको अच्छी तरह फैलाने के बाद इसको मिडल में कट कर लें। और इसको इसके साइड में भी इसको कट लगा लें। और हमने जो बटर और गार्लिक और कोरिएंडर का मिक्सचर रेडी किया था
वो इसके ऊपर, इस पेस्ट को इसके ऊपर लगा दें अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इस पेस्ट को अच्छी तरह से इस डो के ऊपर फैला दें। और जो हमने कट लगाए थे उन कट में हम मोज़रेला चीज़ वो इसमें डाल देंगे। मोज़रेला चीज़ को इन कट में अच्छी तरह से डालते जाएं। और इसको 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दें। अब इस ट्रे को हम प्री हीटेड 350 डिग्री पे ओवन में रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, इसको बेक करेंगे। अब ये गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुकी है, देखने में भी अच्छी लग रही है। इसको ट्रे से निकालें, देखने में भी अच्छी लग रही है और बहुत सॉफ्ट और फ्लफी सी बनी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।